तो गाइस आज मैं आपको ऐसे जानवर के बारे में बताता हूँ जो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। उनका 1 मिनट में 300 बार दिल धड़कता है। अगर उससे आपने हाथ लगा लिया तो वो राउंड हो जाते हैं, फुटबॉल की तरह गोल राउंड हो जाते हैं। और वो दिन में सोते हैं और रात में पार्टी करते हैं, यानी शिकार। इसे लोग पेट की तरह भी पालते हैं और इसको कहते हैं हेजहॉग, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे इरेस्नी कहते हैं। हेजहॉग को कांटे वाला चूहा भी कहते हैं। इसकी टोटल 17 नस्लें दुनिया में पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ये कसरत से पाए जाते हैं। हेजहॉग के जो दांत होते हैं वो 44 होते हैं और उनके जो कांटे होते हैं उनके जिस्म में वो होते हैं 25,000 से 30,000 उसके जिस्म में कांटे होते हैं। हेजहॉग बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं और ये लेकिन ज्यादा स्विमिंग करते हुए थक जाते हैं। और इनकी जिंदगी की बात करें तो ये 3 से 5 साल तक इनकी जिंदगी होती है, जो कि पेट के तौर पर और ज्यादा देखी गई है। हेजहॉग बिना कुछ खाए 2 से 3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं और ये सर्दियों के दिन में ऐसा करते हैं ताकि इन्हें सर्दियों से बच सके। और इन्हें सर्दियां बहुत नफरत होती है इन्हें सर्दियों में, और ये अपना सारा गिज़ा उस बिल में रखकर वो 2 से 3 महीने सर्दियों के दिन गुजारते हैं। मेल हेजहॉग जब फीमेल हेजहॉग के साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद वो मर जाते हैं, क्योंकि उसके जो कांटे होते हैं वो मेल के चेस्ट पे लगते रहते हैं और उसके अंदर एक पॉइजन होता है जो इसकी वजह से वो 2 से 3 दिन तक मर जाते हैं। ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं और इसलिए लोग इसे पेट के तौर पे बहुत अच्छे से घर पे पाल सकते हैं, और खेलने के लिए भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। फुटबॉल और बॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मादा हेजहॉग जब बच्चे देती है तो वो 2 से 3 होते हैं और 5 घंटे बाद उसके जो लेंथ होते हैं वो डबल हो जाते हैं, और 2 महीने के अंदर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपना शिकार खुद ही करके खाते हैं।